The great artist, Sikandar Altaf. How are you? Shock laga mujhe dekh ke. Nahi. शौक लगना बंद हो गया मुझे जिंदगी में, लेकिन मुझे लगा ये जानकर के सलमा से शादी करने लगे हो तुम। मैं तो पूछने नहीं आया था तुमसे ये बात, जब तुमने सलमा के लिए रिश्ता भेजा था। हालांकि तुम जानते थे कि वो मुझसे मोहब्बत करती है। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी वो मेरी। ये जो खूबसूरत औरतें होती है ना, ये कभी अच्छी बीवी नहीं बनती है। बस ये सिर्फ इतना चाहती हैं कि इनके हुस्न की परस्तिश के लिए पुजारी बन जाए, महबूब और शौहर की इनको जरूरत नहीं है। तेरी जो इन्फॉर्मेशन तुमने देनी थी, शुक्रिया। और कुछ? मेरी तो जिंदगी भर बात कर दी है इस औरत ने, तुम्हारी भी कर देगी। वक्त है तुम्हारे पास, बच जाओ। अजीब दुश्मन, अपने हरीफ को बचाने आए। औरत चाहे खूबसूरत हो या ना हो, परस्तिश की ख्वाहिश रखे या ना रखे, कदरदानी की जरूर रखती है। तुम हुस्न की परस्तिश क्या करते, तुमने तो उसकी कदर तक नहीं की। मैं किसी औरत के कदमों में नहीं बैठता, ना ही प्यार के नाम पे, ना कदरदानी के नाम पे। मैं बैठ सकता हूं। सारी जिंदगी अपनी मां के कदमों में बैठता आया, अपनी बीवी के कदमों में भी बैठ सकता हूं। ना मेरी मां की मोहब्बत पे किसी ने उंगली उठाई, ना ही सलमा की मोहब्बत पर कोई सवाल कर सकता है। क्या तुम प्यार व्यार की बातें कहते रहते हो? क्या कलमा पढ़ के बांध दिया यार? जो इश्क मशूक ये सब बकवास होता है, कुछ चीज नहीं होती है। जो शख्स प्यार को चीज समझता है उसे बात करनी बेकार है। नसीहत का बहुत बहुत शुक्रिया। जो बात तुम मुझसे कहने आए हो ना आतिफ, वो दरअसल तुम्हारा दिमाग तुम्हें बुलवाने आया था, लेकिन तुम्हारा दिल जानता है कि तुम सारी जिंदगी अपने पैसे से किसी को जीतने की खरीदने की कोशिश करते रहे और तुम हार गए आतिफ, और तुम्हारी मोहब्बत ने तुम्हें धुतकार दिया। बस इतनी मुख्तसर सी कहानी है। प्लीज। प्यार की मुझे जरूरत नहीं, जरूरत होती ना तो मुनीजा से शादी कर लेता।
मेरी इस उंगली के गिर्द घूमती थी वो, जब चाहता बुला लेता, नहीं बुलाया। बहुत ज्यादती की है तुमने अपने साथ भी और मनीषा के साथ तो बहुत ही ज्यादा। वाकई तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन इतने सालों में एक बार भी मैंने उसको इस बात का ताना नहीं दिया। जिस तरह वो मुझे सारी जिंदगी सलमा के नाम का देती रही। प्यार व्यार नहीं करती थी भाई, बस मेरी दौलत पर मर मिटी थी। बने जैसी लड़कियां तो कितनी आती हैं जिंदगी में और कितनी जाती हैं। अगर उसको गलत फहमी हो गई मेरे से। जिंदगी में बड़े बड़े घटिया लोग देखे हैं मैंने आते, मगर तुम्हारी मिसाल नहीं मिलती यार। तुमने सलमा को हासिल करके बर्बाद किया और उस बेचारी मनीषा को रद्द करके मेरा छोटा सा काम कर दो फौरन, इस घर से दफा हो जाओ एंड डोंट शो मी योर ब्लडी फेस अगेन। आउट आते था यहां था कोई? था कोई? मम्मी इस आदमी से प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी इससे। तुमने सुन लिया सब कुछ? हाँ मैंने सुन लिया। मैंने कभी मुझसे जिक्र नहीं किया कि वो आपसे पहले किसी से प्यार करती थी या किसी से शादी करना चाहती थी। करना मुनासिब नहीं था, कोई जरूरत नहीं थी जिक्र करने की। और मेरा तुम्हारी मां का ताल्लुक खराब करने में इस आदमी का कोई हाथ नहीं था। हाँ लेकिन सलमा का तो था ना। वो अभी ना होता अगर तुम्हारी मां भूल जाती तो। भूल जाती? कैसे भूल जाती? आप तो हमेशा रहना उस औरत के साथ रابطے में, कैसे भूल जाती वो? कभी नहीं रहा, कभी उस रابطے में नहीं रहा। अगर रابطے में रहता तो आज ये आदमी इसका शौहर मुझे आके ये ना कहता कि मुझे सलमा से शादी कर लेनी चाहिए। मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रही है कि आप क्या। समझने की जरूरत नहीं है तुम्हें, अम्मा समझ। तुम्हारी मां एक अच्छी औरत थी, तुम्हारे लिए एक अच्छी मां थी, बस बस इससे ज्यादा तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए एक अच्छी बीवी नहीं बन सकी, मुझे कोई शिकायत नहीं है उससे। नहीं निभा पाता इंसान हर रिश्ता, मैं भी तो नहीं निभा पाया। लेकिन एक बात तो है, जब तक मैं उसके साथ शादी में रहा, मैं कभी उससे डिसऑनेस्ट नहीं रहा, डिसलॉयल नहीं रहा। सलमा मेरे दिल में जरूर रही, लेकिन मेरी जिंदगी में नहीं थी।
तुम्हारी माँ ने अतवार नहीं किया मेरा। इसे कर लेना चाहिए था। आतिफ आया था आज। किस लिए? मुझे मना करने आया था कि तुमसे शादी ना करो। क्यों? देख क्या प्रॉब्लम है, हमारी सेपरेशन को इतने साल हो गए हैं, वो तो मुझसे आज भी उतनी नफरत करता है। नफरत नहीं करता वो तुमसे, शायद इतने अरसे बाद उसको आज अपनी बदकिस्मती का फिर से एहसास हो रहा था। बदकिस्मत तो मैं और तुम थे, वो कहाँ था? नहीं सुन, मैं और तुम बदकिस्मत नहीं थे। इतने सालों मैं तुम्हारे और तुम मेरे दिल में बसती रही, कोई एक पल एक लम्हा भी ऐसा था कि तुम मेरे और मैं तुम्हारे तो सबर से गायब हुए। तुम्हारे पास तुम्हारे सामने रहता रहा लेकिन तुम्हें जीत नहीं सका। मैं छू सकता था लेकिन तुम्हें पा नहीं सका। तुम्हारी नजरों के सामने रहता रहा लेकिन तुम्हारी नजरों में बस ही नहीं सका। आज मुझे कहने आया था कि मैं तुमसे शादी ना करूं, हालांकि उसका एक एक लफ्ज इस बात की गवाही दे रहा था कि वो हार गए, वो हार गया सलमा, तुम्हारा प्यार जीत गया। इतने सालों इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी प्यार जीत सकता है? ऐसा हो सकता है ना? प्यार को प्यार ही जीत सकता है, पैसा और जिद नहीं। मॉर्निंग जाना। ये लीजिए आपकी मॉर्निंग कॉफी। इसकी क्या जरूरत थी? थोड़ी देर में मैंने नीचे आ जाना था। आज आपकी आखिरी सुबह है ना इस घर में, उसके बाद तो आप पर आई हो जाएंगी। आई वॉन्ट टू मेक इट स्पेशल। थैंक यू। चलिए कॉफी पीना। लेके ये आज का शेड्यूल है, क्या चीज कब होनी है, पूरा ब्रेकडाउन है। ऑलवेज वेल ऑर्गेनाइज्ड। थैंक यू। क्यूट बच्चा। चलें फिर। कहाँ? ना ना ना, ये सारे मेरे काम है, आज आप कुछ भी नहीं करेंगे। यू विल रिलैक्स, यू विल चिल। ऐसा है? ना ना, फूल वाला आ गया, मैं जाके अरेंजमेंट्स देखती हूँ। आप कॉफी पिए एंड 12 o'clock योर फिटिंग्स। ओके थैंक्स लव, बाय। थैंक्स फॉर द कॉफी। नहीं, व्हाट डू यू मीन अभी तक नहीं हुआ? देखें हम सब पंक्चुअल हैं, हम टाइम पर आएंगे। आई नीड द फ्लावर अरेंजमेंट्स टू बी डन। अच्छा ऐसे करें, एंट्रेंस तो आप संभाल लेना और माँ वहीं पर तैयार होंगी, तो आई वॉन्ट द ब्राइडल रूम सॉर्टेड प्लीज जल्दी। बुआ,
कोई तैयार ही नहीं होता टाइम पे, यहाँ पे क्या हो रहा है? हेलो हेलो, आज का दिन मुबारक। क्या कर रही थी? कुछ खास नहीं, बस आराम कर रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो? घड़ियां गिन रहा। गिनने से घड़ियां क्या आहिस्ता चलने लगती हैं? आहिस्ता? मुझे तो लगता है वक्त रुक गया, गुजर ही नहीं रहा। सलमा, तुम्हारी आवाज सुनता हूँ, तुम्हें देखता हूँ तो अच्छा लगता है, जैसे जिंदगी के सारे पिछले सफर में गिर हो रहे हैं। सिकंदर, मैंने कभी तुमसे माफी नहीं मांगी। किस बात की माफी? जो कुछ अब्बा ने कहा, जो किया, मैं नहीं जानती थी कि तुम उस शाम क्यों नहीं आए। तुम्हें बेवफा समझने का गुनाह किया मैंने, आतिफ से शादी कर ली। सपना, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ उसे बस। अब्बा नहीं भूल सके, पछतावे ने आखिरी दम तक उनका पीछा नहीं छोड़ा। प्लीज सिकंदर, उन्हें माफ कर दो। मैंने उनको तभी माफ कर दिया था सपना। सलमा, मैं आज तुमसे भी वही कहूंगा जो तुम्हारे अब्बा से कहा था। क्या? उसे बहुत मोहब्बत करता। सलमा, मैं तुम्हें सारी जिंदगी खुश रखूंगा। मुझे यकीन है। चलो, टेक केयर। बाय। क्या डैड? ये घर के कागजात हैं। ये घर मैंने तुम्हारी माँ के लिए बनवाया था। उमर, मैं तो खैर यहां रह ही नहीं सका, लेकिन तुम्हारी माँ को तो ये मौका भी नहीं मिला। तो मैं चाहता हूं तुम यहां रहो। डैड, मेरा वापस आने का कोई इरादा नहीं है। मैं जानता हूं, लेकिन अगर कभी वापस आओ तो यू शुड नो दैट यू हैव अ प्लेस हियर। I'll keep that in mind. ये घर मैं तुम्हारे नाम कर रहा हूं उमर। तुम जब भी शादी करो, ये घर तुम्हारा है। थैंक यू। जी तेरा। ये तो ब्राइडल ड्रेस आ गया और मैंने थोड़ी चूड़ियां निकाल के रखी हैं। सिर्फ पॉइंट वेयर अच्छी लगेगी। आते ये सारे अरमान मेरे दिल में तुम्हारे लिए थे। मेरी फिक्र मत कर, कॉल करूं उससे भी, मैं बात करूंगी। इसको जलाल को? जलाल बाप, उससे तो मैंने ब्रेकअप कर लिया। क्या कर रही हो तुम सारा? क्या बनेगा? माँ, आज आपकी शादी है। And I want you to be the happiest girl. चल, मैं बात करूँ जलाल से? माँ प्लीज, नहीं, it's over, gone. Are you sure? Yes. Get ready, जल्दी।
Yes. Dad, कुछ लाया था मैं आपके लिए. ये क्या? वो बस परफ्यूम और एक वॉच है, बट देना भूल गया. मुझे बहुत पसंद है ये. तुम्हें कैसे पता था कि ये मेरा फेवरेट? क्या आप पहन रहे हैं आज? आप ब्लैक शेरवानी है, तुम क्या कहते हो? तुम कहते हो तो सूट पहन लेते. नहीं नहीं, कंप्लीटली फाइन. आई थिंक अच्छी लगेगी. ठीक है फिर, मैं चलता हूँ. ओवर जी. थैंक्स अगेन. और मैं एक बार और देखना चाहता हूँ. मैं बिल्कुल वैसी हूँ जैसे सुबह. आ रहे हो ना, देख लेना मुझे. चलो बाय. अच्छा मेरी बात तो सुन लो, तुम कॉफी पीने नहीं चल रहे मेरे साथ. उम्र बाकी है कि मुझे सबके सामने ना अम्मा से पिटना नहीं है. तुम्हें कौन मार सकता है? कोई नहीं. बाय. आ गए? हाँ. अच्छा वो मैंने जूलर को बिठाया है, वो दूसरे टब में साफ करवाने हैं, उसको लाके दे दो. चलो मैं ले आ रही हूँ. लॉक करके आ रहा हूँ. नो मी सब जाओगे. Thank you.
मुझे माफ कर दीजिए, आपको मेरे हाथों चोट नहीं लगनी चाहिए थी। मेरी सलमा, जब से तुम मिली हो मैं अपने आप को सचमुच के सिकंदर समझने लगा हूं। सिकंदर हयात, मेरी सलमा, तुम पूछती हो कि मैं तुम्हें खत में मेरी सलमा क्यों लिखता हूं, इसलिए कि तुम्हें मेरे लिए बनाया गया है। इस दुनिया में जितने रंग हैं, नज़ारे हैं, हुस्न हैं, सब तुम्हारे लिए बनाए और तुम मेरे लिए। तुम्हारा सिकंदर। मेरी सलमा, आज तुम कॉलेज नहीं आई, दिन तुम्हारे इंतज़ार में गुजरा और शाम सो गए। यूँ लगता रहा जैसे कुछ खो गया हो। मैंने मुनीजा से तुम्हारा पूछा लेकिन उसे कुछ नहीं मालूम था। मुनीजा, सिकंदर, ये मेरा तुम्हारे नाम पहला और आखिरी खत है। खत भी वो जो तुम तक कभी नहीं पहुंचेगा। मुझे मालूम हो गया है कि तुम उस शाम क्यों नहीं आए थे। अब्बा तुमसे मिलने गए थे और तुमसे तुम्हारी मोहब्बत की कुर्बानी मांगी थी, मेरी ज़िंदगी से निकल जाने को कहा था। तुमने मुनीसा से शादी कर ली। मेरी दुआएँ अब भी तुम्हारे साथ हैं। मैं ही तुम्हारे काबिल नहीं थी, अब भी तुम्हारी सलमा। उम्र की मौन सिकंदर अंकल, आपका भी तो वही बैच था ना? आर यू गाइस बैचमेट्स? नहीं, बैचमेट्स नहीं थे। आगे पीछे का बैच होगा। आप लोग कभी मिले? नहीं, मैं इनसे पहले कभी नहीं मिली। उसके डैड की कोई एक्स लवर थी जवानी, अपेरेंटली बहुत लो लेवल गोल्ड डिगर टाइप थी। खैर, शादी तो नहीं हुई लेकिन अंकल आंटी के साथ बहुत बुरा सलूक करते थे उसके बाद। गलतफहमी हुई होगी उम्र को। माँ बाप के इख्तलाफ में बच्चों के ज़हन अक्सर बायस्ड हो ही जाते हैं।
क्योंकि मैं ग्रीन हूं।